दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। रविवार और सोमवार को बारिश की संभावना। इन दो दिनों में विदर्भ में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश से रेलाकोट गांव में 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अल्मोड़ा जिले में बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से हवालबाग के रेलाकोट गाँव को काफी नुकसान पहुँचा है। गाँव में भूस्खलन की चपेट में आकर 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि कई मकानों में दरारें पड़ चुकी है, जिसके चलते ग्रामीण इन दिनों पंचायत भवन में शरण लेने को मजबूर है। वहीं अब प्रशासन के साथ भूवैज्ञानिकों की टीम भी मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक हवालबाग क्षेत्र के रेलाकोट गांव में बीते दिनों हुई बारिश के बाद भूस्खलन की चपेट में आकर 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि गांव के कई मकानों में दरारें पड़ चुकी है। इतना ही नहीं, गांव के चारों ओर जमीन भी धीरे धीरे धस रही है। बता दें कि रेलाकोट गांव में भूस्खलन का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, जो बीते दिनों हुई बारिश के बाद अभी और भी तेजी से चल रहा है। वही प्रशासन ने भूस्खलन की जद में आए पीड़ित परिवारों को पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया है, जबकि जिन भवनों में दरारें पड़ चुकी है उन्हें एहतियात बरतने को कहा गया है। गांव में धीरे धीरे हो रहे भूस्खलन के चलते ग्रामीण खौफजदा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं, लेकिन बीते दिनों हुए बारिश के बाद उनका आशियाना भी छिन गया है, जिसके चलते वे पंचायत भवन में रहने को मजबूर है। साथ ही उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। भूस्खलन की सूचना पाकर प्रशासन और भूवैज्ञानिकों की टीम गाँव पहुँच चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूस्खलन के जद में आकर गांव के 2 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि अन्य 2 मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। उनका कहना है कि गांव को सर्वे कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।